भाई मुझे लग रहा है यही पिज्ज़ा लेकर के आई है ना। लग तो ऐसी है, ऐसी है। लेकिन बेचारी बच्चा साथ में जोमेटो से किया था ना। हाँ तो वही वही एक बार देखता हूँ भाई, पकड़ो एक मिनट का मैं बात करके देखता हूँ। देखता हूँ हेलो एक्सक्यूज मी मैडम, आप ही पिज़्ज़ा लाए हो क्या? हाँ जी सर। अरे इतनी देर से मैं कॉल ट्राई कर रहा हूँ, नेटवर्क की वजह से लगी नहीं आपकी कॉल। हाँ सर थोड़ा। ठीक है आजिए आजिए, इधर आइए छाँव में आजिए, आप धूप में खड़ी हुई हैं तो आप इसको एक मिनट। अच्छा आराम से। नहीं 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 नहीं, एक मिनट ये लीजिए, आराम से आराम से आराम आराम से आराम से। 249 होगा। अच्छा एक बात पूछ सकता हूँ, आप बुरा ना माने तो जी सर। एक बात बताइए, मतलब वो था आई थिंक ये थोड़ा पर्सनली हो सकता है। हाँ। आप मतलब बच्चे को लेकर के, अभी आपकी उम्र भी नहीं है, मतलब इस तरीके से रहने दीजिए आप अपना काम, कि मुझे मेरा काम करने दीजिए। मतलब रहने दीजिए सर, बस सब पूछते हैं ऐसा कोई, बस घर की थोड़ी प्रॉब्लम है इसलिए आप अपने काम से काम रखो, मुझे मेरा नहीं। काम वो तो ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन बाय द वे मुझे लगता है कि शायद कुछ आपके साथ पास्ट में गलत हो। देखो आप एज ए ब्रदर बता सकते हो मुझे, ठीक है, मैं कोई माइंड नहीं करूँगा बिल्कुल भी, क्योंकि यार बहुत से ऐसे लोग हैं, मुझे खुशी होती है उन्हें देख करके कि मतलब उनके साथ इतनी बड़ी बड़ी ट्रेजिडी हो जाती है, फिर भी वो खुद से मेहनत करके कमा के खा सकते हैं। हाँ सर बस सब पूछने के होते हैं, अपने भी ऐसे ही पूछ के चले जाते हैं बस। नहीं ऐसा नहीं, फिर भी आप चाहे तो बता, इसके अंदर खाना इसे इधर रख दूँ मैं? नहीं नहीं, दो मिनट के लिए नहीं। नहीं तो आप मुझे बता सकते हैं प्लीज़, रिक्वेस्ट करूँगा। नहीं नहीं सर आप नहीं बताइए ना, क्योंकि इतनी कड़ी दोपहरी के अंदर देखो मैं खुद भाई पसीना पसीना हो रहा हूँ। नहीं सर बस घर की प्रॉब्लम है ऐसी। घर की प्रॉब्लम है तो हस्बैंड नहीं है, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। सॉरी तो वही मैं पूछना वाला था, भी है मतलब आपके हस्बैंड वगैरह कमाते नहीं तो उनकी डेथ हो गई है? हाँ उनकी डेथ हो गई। कितना टाइम हो गया? हो गया काफ़ी टाइम हो गया उनकी डेथ को। अच्छा तो मतलब आप बच्चे को लेकर के इस तरीके से काम कर रही हैं? हाँ हाँ मैं अपने हाथ तरफ हूँ, मैं अपनी बच्ची को खिला सकती हूँ कमा के। अच्छा तो मतलब काफ़ी मुश्किल होता होगा ना, मतलब इस तरीके से ज़िंदगी गुजारना, तो मतलब फैमिली वाले कोई सपोर्ट नहीं करता? कोई नहीं, कोई नहीं करता, बस आते हैं बैठ के चले जाते हैं बस, सब ऐसे होते हैं, कोई किसी का नहीं है आज की डेट में। वो मैं समझ सकता हूँ, फिर भी एक ऐसा होता है ना, अभी तो आपकी उम्र भी मुझे लग रहा है नई नई शादी हुई थी, एक दो साल ही होंगे शादी को, है ना, इतना छोटा बेबी है आपका और किस तरीके से आप सरवाइव कर रहे हो। पर कोई नहीं है, सब घर है, इसको घर रख नहीं सकती, भूखी रहेगी, इसलिए इसको साथ में लेके करती हूँ। तो मतलब मैं जान सकता हूँ मतलब आपके पति की डेथ कैसे हो गई? नहीं भैया आप क्यों पूछ रहे हो, बस ऐसे थोड़ी घर की फैमिली थी, थोड़ी लड़ाई हो गई थी हमारे बीच, इसलिए हो गई डेथ। मतलब किससे लड़ाई हो गई? देखिए रोइए मत भैया, रहने दिया जी आप मत पूछिए। आप एक काम करिए साइड में आ जाइए, ठीक है, बीच में खड़ी हुई, आप मुझे बताइए मतलब क्या हुआ था, कुछ थोड़ा सा मतलब। नहीं भैया रहने दीजिए आप मत पूछिए। क्या हुआ था भैया? कुछ नहीं, उनके भाई मतलब फैमिली के बीच हुई थी, भाई के बीच प्रॉपर्टी को लेके लड़ाई वड़ाई। अच्छा अच्छा जो भी थी। अच्छा तो रहने मतलब... दीजिए भैया आप मत पूछिए बस। तो आप इसे घर पे भी तो छोड़ के डिलीवरी कर सकते हैं? नहीं ये भूखी घर पे अकेली रहेगी, कोई भी नहीं है साथ का, कोई भी नहीं है जो इसको देख सके, इसलिए मैं इसको साथ लेके काम करती हूँ। तो मतलब आपको मतलब मुश्किल नहीं होती काफी? नहीं होती इस तरीके से मतलब। तो नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझे ये बताइए कि ये पेमेंट कितनी हो गई इसके? 240 247 भैया मेरे पास खुले नहीं है। खुले नहीं है आपके? आप एक काम करो ये रख लो। नहीं नहीं आप मुझे चेंज दे दीजिए। तो मेरे पास चेंज नहीं है, आप ये रख लो, ठीक है? आप एक काम करो, देखो मैं एज ए ब्रदर आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। ऊपर वाले ने हाथ पैर दिया, मैं नहीं, मैं कमा के खाता हूं। देखो जो लोग कमा करके खुद से मेहनत करके खाते हैं ना, ये भी रोड जल्दी दे दीजिए चेंज। देखिए मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं ऐसे लोगों की हेल्प करता हूँ जो खुद से मेहनत करते हैं, ठीक है? मतलब इतनी ट्रेजिडी आपके साथ हो गई फिर भी आप ऐसे कर रहे हो, ठीक है? ऐसे ही एक सीन मेरे साथ पहले भी हुआ था, ठीक है, उनके साथ भी कुछ ऐसे ही था, मतलब लोग यार इस तरीके से मेहनत कर रहे हैं
आपके साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई, लोग कब की तो दूसरी शादी कर लेते हैं। नहीं। आपने नहीं सोचा कभी? नहीं मैंने नहीं सोचा। आप एक काम के ये रखिए प्लीज, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज 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 इतना मैथ करवाइए, देखिए मुझे बहुत बुरा लगेगा। ठीक है प्लीज रख लीजिए, ठीक है प्लीज। आपके बच्चे को भी शायद भूख वगैरह लग रही है, ठीक है रखो आप इसे आराम से, खुश रखे। बस आप एक काम करो, जा सकते हो आप, हमारा पिज्जा भी ठंडा हो गया होगा। एक बार इसको पकड़ना। आपको और भी डिलीवरी करनी है क्या? ये रो क्यों रहा है इतना? आपको भूख लगी होगी ना? अच्छा ठीक है ध्यान से, ठीक है।